डॉक्टर एमएस यादव सर, आई सूफिया परवीन एंड आई कुमार अभिषेक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु ब्रह्म हैं जो ज्ञान को पैदा करते हैं, गुरु विष्णु हैं जो ज्ञान को बनाए रखते हैं, और गुरु शिव हैं जो अज्ञानता के अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। ऐसे महान गुरुओं को हमारा शत शत नमन। गुरु श्री ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर हु सर्वड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज अ स्टॉच बिलीवर ऑफ एजुकेशन एंड वाज अ वेल नोन डिप्लोमैट स्कॉलर एंड अबव ऑल अ टीचर। व्हेन सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स वेंट टू हिम टू सेलिब्रेट Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if this day is celebrated as Teacher's Day. From then onwards, the दीप प्रज्वलन के इस क्रम को चंद पंक्तियों से सुसज्जित करना चाहती हूँ कि क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर सो प्लीज सप्लीज डू दी ऑनर। बहुत अच्छा दिन है और बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे ने कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं, सिस्टम डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज की तारीख में तकरीबन 900 विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हम लोगों ने 15,000 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का किया है, मांग किया है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में 50-50 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचो, आप 1500-2000 बच्चों को एग्जामिनेशन करा के टाइम से उनको ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे पाते, मार्कशीट नहीं दे पाते, तो जो ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं उन पे कितनी मुश्किल प्रेशर पड़ता होगा और कितने मेहनत से काम करते होंगे। जो 1992 की बनाई हुई है, अभी 2016 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो 19 में रिपोर्ट हम लोगों ने सबमिट की है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा है ग्रेजुएशन के बाद में सीधे पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है, एमए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 साल का अगर यूजी ग्रेजुएशन कोर्स किसी बच्चे ने किया है तो वो सीधे पीएचडी कर सकता है। 10+10th और 12th क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का प्लान किया है, जिसमें 10th और 12th का एजुकेशन पर कोई बच्चा फेल ना हो,
प्रेशर ना हो इसलिए सेमेस्टर सिस्टम में डाला जाएगा, और वो क्रेडिट जैसे हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ऐसे ही वो 9th, 10th, 11th में भी हो जाएगा। तो ये शिक्षा नीति में बहुत सारी त्रुटियाँ इस बार डाली गई हैं। We will also them apply in our day-to-day life. Thank you so much, sir.
हमारे जगह